ला कहाँ जा रहे हो? आओ चलो पापा को जाने दो। पापा मंदिर जा रहे हैं बेटा। अरे आते भी ब्रेड ले आना। पापा की परी। ओए ओए रुको 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 रुको, कुछ आना है, करो बंद। ये लो। आ जाओ गुल्लू, पापा आ जाएंगे। गुट्टू गुल्ला। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे 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 राधे। नहीं करना, और इसको पापा की याद आ रही है। चलो आओ गाइस, नहाने धोने का सारा काम हो चुका है कंप्लीट। बस अब सीधा किचन में आए हैं खाने पीने की तैयारी करने। और इधर हो रही है गुल्लू की बॉटल बॉयल। इसके अलावा बनाते हैं चाय। और कल आज मुझे मोस्टली कुछ बनाने नहीं था, सिर्फ फुलके बनाने थे, क्योंकि कल की मिक्स वेज भी रखी है, मटर पनीर भी रखी है, आटा भी रखा है, एवरीथिंग। तो मुझे कुछ नहीं बनाना। और मोस्टली आप मेरे को स्पेक्स में ज़रूर देखोगे, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे कहा कि भाई तुम स्पेक्स पहना करो। मैं आजकल स्पेक्स पहनना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से मेरी आईज़ में मुझे प्रॉब्लम रहने लग गई है, और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है। पहले तो मैं बिल्कुल पहनती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है। चलो आप ठीक करा के आती हूँ। तो बाकी चलो मिलती हूँ, फिर बात करती हूँ। भूल ही गई क्या कहना था। हम रेडी शेडी हो चुके आ चुके हैं अम्मा के पास। अम्मा की देखते हैं हालत कैसी है। चलो अम्मा कैसी है तबीयत? बहुत हुआ है। बताओ क्या हुआ? तो जब खाओगी आएगी तब जाना। नहीं चाची मैं खाना खा के आई। गुल्लू गुल्लू आओ, कम यार जल्दी आ जा। क्यों तू नाना की चादर गिरा रहा है? गुल्लू मत कर भाई, नानी गुस्सा करेगी। चल आ इधर आ। आ नहीं नहीं चलो 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 चलो, बदमाशियां कम करते हैं। हाँ कम कह रही, कम ले। सो गाइज, मैं हेलमेट शेलमेट पहन के हो चुकी हूँ रेडी, और फिलहाल मैं रास्ते में ही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मेरी सेकेंड डोज जो थी वो पेंडिंग थी, तो मैं जा रही हूँ अपनी सेकेंड डोज लगवाने। तो बस अब जाऊँगी मैं सेकेंड डोज लगवाने। और आप लोगों ने जिस जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, प्लीज़ जाइए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो चलिए मैं लगवाती हूँ अपनी सेकेंड डोज। फिलहाल जो है मैं वेट कर रही हूँ लाइन में। ओके ठीक है फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर पर। और यहाँ पर दो एंटीक पीस, एक तो रंजीता और एक ये गुल्लू, ये दोनों के दोनों लग चुके हैं यहाँ पे नचनिया नाचने। ये देखो, ये और इधर हमने किया है चाउमीन बनाने की तैयारी। ये है हमार चाउमीन। अब हम इसमें, ये पानी गर्म हो चुका है, अब हम चाउमीन इसको उबालेंगे। जल्दी से घर आ जाओ, अब तेरी चाउमीन बन रही है। बोलो चाउमीन बन रही है, आ जाओ मेरे को भी बोलो। वो पापा हेलो हेलो पापा, मम्मा हेलो बाबू, आओ हेलो मम्मा। सो गाइस, यहाँ पे चाउमीन उबल गई है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट लिया, आपके पास जो शिमला मिर्च आप वो काट सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है घी डाल दिया, उसमें मैंने प्याज डाल दिया।
और मैंने इसके अंदर डाली हुई है चॉप क्या बोलते हैं उसको, हरी मिर्ची डाली है। और इधर ये मैंने एक घोल तैयार किया है जिसके अंदर सोया सॉस, विनेगर और क्या बोलते हैं सॉल्ट है, नमक। एक्चुअली मैं उबालते हुए डालना भूल गई थी तो मैं इसलिए अब डालूंगी। तो इसका घोल बना के, और आप इसके अंदर पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, मेरे को पत्ता गोभी मैं नहीं डालती तो मुझे पसंद भी थोड़ी सी कमी है तो इसलिए मैंने पत्ता गोभी नहीं डाली है। जो आपको वेजिटेबल डालनी है आप सारी वेजिटेबल डाल सकते हो, बस ये वेजिटेबल डालूंगी और बनाते कुछ नहीं करना, बस अब इसको कुक करना है, इसको बस सबको मिक्स मिक्स करना है और कुछ काम 2 मिनट का है बस। ये चाउमीन बनके हो चुकी है रेडी। तू मेरी किचन में क्या कर रही है? जब भी तू मेरी किचन में आती पहले तो फोन बंद कर, वीडियो देख रही हूँ फैमिली बंसल फैमिली। नहीं पहले तो फोन बंद कर, और दूसरा मुझे ये बता ये बंसल फैमिली वाले ना कॉपीराइट दे देंगे तेरे को। मुझे क्यों देंगे, मेरा कोई चैनल है? तू मेरी किचन को क्यों गंदा करने बोला है? बेसन को वो कर दे। तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो वो पैकेट गिर गया। इसका काम करने का तरीका देखो, अब ये सब कल को बहन तू ससुराल में जाएगी और ऐसा गंदा करेगी तो हमें सुनने को मिलेगी। हाँ, तेरे को पहले सुनने को नहीं, क्यों नहीं मिलेगी तेरे को सुनने? सब मुझे कहेंगे कि तुमने अपनी बहन को क्या सिखाया, ये सिखाया मैंने कि तुम अपनी किचन ऐसे गंदा करो? मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी। बेसन का हलवा तूने किससे सीखा है? तू बहन बना, बेसन का हलवा बना। वैसे एवरीवन नोस कि आई एम नॉट अ, मतलब मुझे हलवा नॉट गुड इन हलवा, बाकी सारी चीजें मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ मुझे ऐसा लगता है। वैसे हलवा अच्छा नहीं बनाती मैं, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, छोले बहुत अच्छी बनाती हूँ। किसको एक दिन भंडारा कर लो बिरयानी का। हाँ, मजा आ जाएगा यार, है ना? बड़ा वो ले ले 15 किलो का। हाँ। ये कुछ आवाज सी आ रही है, वो जो गैस तूने ऑन की भी है ना उस गैस की आवाज है, ये उस गैस में आती है आवाज। ये हलवे का हलवा बना दिया इसने। मुझे घी दे और जल्दी। घी नहीं है इसमें, इसमें प्रिया ज्यादा घी मत डाल, थोड़ा सा डाल दे, वेट बहुत बढ़ता है। नहीं रहने दे, तू इतने में ही काम कर, हो जाएगा। अभी पानी डालेगी ना, बहुत घी था उसके अंदर, 250 ग्राम घी था और बहुत है, इतना ज्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए नॉट गुड। चलो ठीक है अब हम जा रहे हैं। हलवे का हाल देख, ये सोनी का नहीं बनाया, तू खाइयो मत, बिल्कुल पीछे हो। नहीं मैं तो खाऊंगी, नहीं बस यही है और भी है, कभी भी प्लास्टिक के कटोरे में नहीं रखना चाहिए। तूने मुझे वहां पे प्लास्टिक का कटोरा रख के गई है और पता नहीं, और मैंने तुझसे 2 बार पूछा। प्रिया मैं तेरे को ये बोल के गई हूँ कि स्टील के बड़े वाले कटोरे रखे हुए हैं उसके अंदर डाल लियो, इसके अंदर कौन लेता है? तूने ही बोला जबकि मैं भी शॉक्ड हो रही थी, तूने बोला कि इसके अंदर डाल लियो। हाय हाय भाई, बुद्धि की कमी है। मैं अगर, चल मैं वैसे कह रही हूँ, अगर मैं कोई गलत शिक्षा दे रही हूँ तो तू गलत शिक्षा क्यों ले रही है? सही बात है, तेरे अंदर भी तो दिमाग है कि बहन प्लास्टिक के कटोरे, अब मेरे को ये खाना पड़ेगा। कितना मीठा चाहिए आपको? अगर भाई साहब एक चीज बताना, हलवे में मीठा ही ना हो और उसमें मीठा ही ना हो, मतलब कि उसमें कितना मीठा चाहिए? अरे मीठा खा रहे हो तो मीठा तो मीठे के हिसाब से चाहिए। सुनो मीठा ज्यादा है हो जाता है फिर सेहत के हिसाब से। इसके अंदर अगर आपको डालना है ना, सुनो सुनो इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल लो। हेलो मेरी बात सुनो, आप जलेबी भी है ना, जलेबी जब बनाते हो ना बिना चाशनी के बनवाया करो, मीठा तो खाना नहीं आपने, ये भी सही। तो उससे कहो कि भाई चाशनी की जगह ना जैगरी जैगरी क्या होता है ये बता दो। चलो चलो यही बता दो आजा, मुझे क्या पता, मैं देसी आदमी भाई, जैगरी बता दो आजा, मुझे क्या पता। मैं तो कह दो आपसे, मैं रोज अब इंग्लिश का नया वर्ड पूछूंगी। अच्छा स्ट्रॉबेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो लाल अमरूद। अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। ये सही बोले। और तरबूज को इंग्लिश में? रोज एक वर्ड खाए ना भाग। तरबूज पूछेगी तो याद कर ले। तरबूज, वाटरमेलन, चल दो हो गए अब तो। मेरन नहीं, मेलन। वाटरमेलन ही खाए मैंने, तुम्हें तो पता है। खरबूजे को फिर? अच्छा केले को, केले को, सेब को। यार वो तेरे नीचे से निकल रही है सोनी। सेब को जगह पटो लो। भाई चल, भाई चल चल चल, 9 बज गए। मैं तो जा रही हूँ इसको। हाँ चल, 9 बज गए।
नहीं। और मेरे घर पे 7 बजे के बाद रहने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ। यू जस्ट कीप योर माउथ शट। यस बाबू, अब मैं क्या करूँ? बाबू मेरे को जाने ही नहीं दे रहे। गुल्लू अच्छा रुक जाना, अब तुझे चल अपनी मम्मा के पास चलो। चलो अपनी मम्मा के पास चलो, चलो जाओ जाओ अपनी मम्मा के पास, जाओ जाओ ना जाओ जाओ अपनी मम्मा के पास। तू सारा दिन किसके तेरी बेटी भी तेरी नहीं है, चलो जाओ मेरे पास। तो मम्मा के पास से नहीं आती तेरे पास। खड़ी खड़ी की सवारी है। ओ मैं की तबीयत ठीक नहीं है, आजा। कोई कोई बाबू मासी की परेशान है, बाय कर दो, बाय बाय कर दो। क्या हो रहा है तेरे? बाय करी भाई, बाय बाय कर रहा है, बाय सोनो, बाय कर दे। ये तो बाय कर रही है, बाय ले, बाय बाय से बाय 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 कर दे बाबू, बाय 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 करो, जल्दी करो बाय, फिर हम जा रहे हैं ना, बाय कर दो बाय 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 ले बाय सोनो, ले 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 बाय ले बाय जाओ यहाँ से, बाय गुल्लू। मैंने तेरे से ममता खत्म कर दिया, जा जा बेटा जा, तू अपने ससुराल जा जा ले, बाय कर दो बाय। हाथी सोनो बांसी, मैं बेटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सोनो? सुधार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं गुल्लू यार? कहाँ चलेगा बताओ तो सही। हो गया वैसे तो, एक साल की बेटी है अभी तो, एक साल 2 महीने की सुनो और कुछ घंटों की। अपनी मासी के लिए कुछ नहीं है, 12:05 में पैदा हुई थी सोनू ये, और आज इसने मेरे साथ ऐसे किया है, आज इसने मेरी मेरी कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। बाय कर दे, बाय बाय, पापा को भी बाय, पापा को भी बाय। तेरे पति को तेरी कदर नहीं, तेरे बच्चों को तेरी कदर नहीं। बाय लो, बाय जीजू। मेरे को तो चिल्लू और पानी में डूब के मर जाना। क्या देखो भाई, लाऊं? नहीं पानी तो मेरे साथ में रखा है, चिल्लू मर जाएगी। मम्मा पास चलो, मासी जा रही है ना, मम्मा पास चलो। सोनिका जी उठी है अपने बाबू को लेने के लिए, और ये देखो कि स्थान के बाबू को लिया गया है। अब अम्मी मेरे पास आई, आई बाबू चलो। हे भगवान, आओ। ये तो फेल हो गई खड़ी सवारी भी। मेरा हाथ देख, उसे वहां से पकड़ा हुआ है गुल्लू ने। क्यों पकड़ा है? हैवी गोल ऐसा जोड़ लगा है, अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। आओ जाएगा अपने मम्मा पास जाएगा। तेरा कल से नानी के घर जाना बिल्कुल बंद है, और मासी तेरे को दिख नहीं जानी चाहिए, अभी बता रही हूँ। चलो वाले हवाले कल से मत आइए। तो फ्रेंड्स, मेरी बीवी भी सो गई है और गुल्लू भी सो गई है, ब्लॉग की एंडिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी नींद आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फ्रेश सुबह नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय। डू यू लाइक टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर।